दुनिया में आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाएँ। आज आप लोग का पहला शो काफ़ी दिन से प्रोग्राम था, उसके बाद में मिट्टी काफ़ी है, हवा चल रही है काफ़ी तेज़ और मिट्टी उड़ रही है। अभी पहुँचा हूँ तो चलते हैं अपने दोस्त के पास, काफ़ी दिन से प्रोग्राम था मेरा उसके साथ मिलने का। ये दोस्त है, इसके डेरे पे आया हूँ। ये इसके छोटे से बच्चे हैं। ये इस मुर्गी के बच्चे हैं छोटे छोटे से। ये मोर खड़ा है, मादी है, ये अभी बच्ची है, तकरीबन 2 साल की है। वो जो छत पे पिछला भी दिखाया है वो सामने नहीं आ रहा है ना नीचे आ रहा है, ये उसके बच्चे हैं, वो ऊपर छत पे हैं। ये कोयल बैठी है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोल रही है इस दरख्त पे। ये ब्लैक सी, ये देखें ये बैठी है। ये देखें ये बोल रही है। एक मोर ये खड़ा है, ये देखें ये डरता बहुत है, जैसे मैं वीडियो शूट करना शुरू करता हूँ तो ये भाग जाता है। ये देखें दोस्त के पास मैं गया था तकरीबन 7 बजे और 20-25 मिनट वहाँ बैठा था, तो वापस आ गया था मैं। तो फिर उसके बाद मैं गया था अपने अब्बा जी के साथ चारा लेने के लिए, तो अभी 10 बजे हैं। ये देखें 10 बजे, तो अभी वापसी हुई है मेरी, तो नाश्ता करना है अभी। तो नाश्ता हमारा इसी टाइम ही होता है, तकरीबन 10-11 बजे, 10 बजे के करीब हो जाता है। तो अभी नाश्ता तैयार है, तो मैं थोड़ी सी हवा लेने के लिए बाहर निकला हूँ, क्यों हवा चल रही है हल्की हल्की सी, मज़े की है। ये हमारे खरगोश हैं, देखें गीली जगह पे बैठे हुए हैं, और कुछ इसके पीछे हैं ये बैठे हुए हैं, ये इसके पीछे बैठे हुए हैं, अंधेरा नज़र नहीं आ रहा है पर वो हमारी बतकें हैं। ये हर साल बच्चे देती हैं, लेकिन इस साल इन्होंने 2 बार अंडे ख़राब कर दिए हैं। ये अभी 2 माह पहले इन्होंने अंडे ख़राब किए हैं, इस बार बच्चे नहीं दिए इन्होंने। एह भी कोई काना होना पी होनी मक्खी कच्चे मक्खी पी है, सारा ही खराब है। ये जेड़े मैं खादे तो भाई साफ सुथरे सी है, नहीं ओ नहीं लगा या पक्का ऊपर चढ़े कौन वट्टा मार लो जंदी कर इत एक लथना चाहिए उ 10 लथने नहीं कच्चे ना दाने नहीं खड़ा पक्का कितने खड़ा है साफ सुथरा आ ही है ना। कच्चा थोड़ी मुक्के पे हैं नहीं गर्मी थोड़ी है, अंबा दी मत वजी पे, अंबा दी मत वजी पे एक कीड़ी ने मत मारी हुई है आपे लत लत जांदी जिन्ना दी नहीं हुंदी ना लकड़ियां वो आपे नहीं हर साल ते नहीं लगदी इस साल ज्यादा वा नहीं इस साल वैसे स्प्रे नहीं कीती होनी तो अभी हम इधर आए हुए हैं अपने तो आम चेक कर रहे हैं को पक्का मिल जाए तो आज तोड़े ना हो गया ही गिर गया है कच्चा कच्चा काफी कच्चा कीड़ी भी काफी लगी हुई है
कीड़ी काफी लगी हुई है ना। वैसे निशाना ठीक रहा तेरा, तीसरे तो जाके लगा निशाना। आम तोड़े कुछ कोशिश की है, पक्के आम दो तीन लगे हुए थे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कीड़ी बहुत ज़्यादा है, आपको आम भी अभी दिखाए थे तो मज़ा नहीं आया। वैसे मैंने फिर फेंक दिए हैं, वो दोस्त ने भी उतार के दिए थे, दोस्त साथ था, आम भी दोस्त के थे, वही तोड़ के दे रहा था कि खा लें, मगर कीड़ी की वजह से दिल ही नहीं किया है। आजकल वैसे भी जो हालात आम के चल रहे हैं तो देखने को भी दिल नहीं करता है। घर में भी इस बार बहुत कम खा रहे हैं हम, नहीं तो हर साल बहुत ज़्यादा होते थे, बस इस साल कम खा रहे हैं यही कीड़ी की वजह से। तो मिल्क शेक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं आम का, वैसे कम खाते हैं। दोपहर जुमे के बाद आराम किया है तो अभी असर के वक्त नमाज़ पढ़ के अपनी इस ज़मीन की तरफ आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे, तकरीबन पिछले 3 दिन भी मैंने व्लॉग नहीं सेंड किया है, बस वो एक गर्मी थी, बाहर निकलना मुश्किल था और सुस्ती हड्डरामी जब आ जाए ना हड्डियों में तो फिर ऐसे हो जाता है, अक्सर तबीयत में सुस्ती आ जाती है, तो उस वजह से मैं बाहर निकलता हूँ। ये व्लॉग बनाने के लिए बाहर निकलता हूँ, क्यों बाहर निकलने की आदत मेरी बचपन से ही नहीं है, घर में ही रहता था। क्यों घर में सब कुछ सहूलत थी मुझे, मोबाइल की भी थी कंप्यूटर की भी थी, मगर ये यूट्यूब के दुनिया में यूट्यूब के चैनल मैंने अभी बनाया तो इस पे मैं अभी कुछ नॉलेज मिला इस वजह से इस पे आया हूँ। तो अभी शुरू में वीडियो बनाने में तंगी होती थी, कैमरे के सामने आना बहुत मुश्किल होता था, अजीब सा महसूस होता था, क्यों कभी ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे करता जा रहा हूँ तजर्बा भी बढ़ता जा रहा है और जो अंदर का डर था वो भी ख़त्म होता जा रहा है। जो शुरू के हालात हैं ना मेरे, वो बहुत मुश्किल थे, वो जैसे मैं कैमरे के सामने प्रैक्टिस की है वो बहुत मुश्किल थी, वो मैंने की है। अभी भी कुछ कमी है, काफ़ी कमी है, वो ऐसा ऐसा दुरुस्त हो जाएगी, आप दोस्त बताएंगे तो बेहतर हो जाएगी। अगर कोई भाई कैमरे के सामने आने से डरता है, है कि आसान से टिप्स जिससे वो कैमरे के सामने और उसका डर निकल जाए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, उस पर भी मैं कभी वीडियो बना दूंगा, कैसे मैं कैमरे के सामने, कैसे मेरा वो काम था कि इसके सामने आना। अब हम बाहर आए हैं अपनी इधर थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम बैठा नहीं जाता है, कि पहले आदत थी बैठने की, अब नहीं है, अब कुछ ना कुछ होता है कि बाहर कहीं निकलें, क्यों वीडियो का शौक ही ऐसा पड़ा हुआ है। तो अपनी ही इधर एक ही जगह हमारे पास, जब हम आ जाते हैं इधर कुछ टाइम पास करने के बाद घर वापस चले जाते हैं। हवा चल रही है हल्की हल्की सी, मगर हबस है, बादल हो रहे हैं, रोज़ाना की बेस पर बादल आ जाते हैं लेकिन बारिश नहीं आ रही है। बस अल्लाह ताला से दुआ है और आप दोस्तों से भी गुजारिश है कि हमारे हक में दुआ करें कि कुछ बारिश हमारे भी यहाँ पड़ जाए। बादल देखें ऐसे हो रहे हैं जैसे अभी बारिश हो के हटी है, ये बादल ऐसे उस वक्त होते हैं जब बारिश होने के बाद आसमान साफ होता है, उस वक्त ऐसा आसमान का मंजर होता है, मगर यहाँ बारिश भी नहीं हुई है फिर भी ऐसा मंजर हो रहा है। और ये देखें आलूदगी सी हो रही है सूरज की तरफ, मौसम इधर से काफ़ी ऐसे हो रहा है जैसे अंधेरी आएगी। तो ये आम थे जहाँ हम ट्राई कर रहे थे और वो लाइन से काफ़ी आम लगे हुए हैं, तो हम इधर ट्राई कर रहे थे आम तोड़ने की, मगर जो टूटे हैं वो ख़राब थे और बाकी अभी कच्चे थे, तो फिर हम इधर ही अपनी जगह पे आके बैठ गए। हवा भी बंद हो चुकी है तो गर्मी ज़्यादा लग रही है, तो अभी हम ट्यूबवेल पे जा रहे हैं, कुछ माँ पानी पीते हैं, मुँह धोते हैं ठंडे पानी से, फिर उसके बाद वापसी की करेंगे घर में, क्यों इधर बैठना बहुत मुश्किल है, गर्मी आप देख रहे हैं, पसीना बिल्कुल भीगा हुआ है जिसम, ये देखें पसीना काफ़ी आ रहा है। तो अभी हम सिर्फ पानी पियेंगे उसके बाद वापस घर में चलेंगे, शायद खाना भी तैयार हो तो खाना जाके पता चलेगा क्या पका है।
खाना खाते हुए अचानक से अजान हो चुकी थी, तो मैं नमाज पढ़ने चला गया था मगरब की। तो अभी वापस आया हूँ, खाना मैंने खाया है, सफ़ेद चने बने हुए थे बहुत ही मज़े के, और कद्दू का रायता था, ठंडा होता है, गर्मी में सेहत के लिए अच्छा है। तो गर्मी में सिर्फ एक कच्ची लस्सी और कद्दू का रायता है, ज़बरदस्त चीज़ है। तो आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, शुरू में नाम आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है और फेसबुक का भी लिंक है। तो अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।